हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। सो आज हम करने वाले हैं अक्टूबर मंथ की प्रेडिक्शन। जिनकी भी राशि जो है धनु है, यानी कि सेजिटेरियस है, उनके लिए आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है। कैसा जाएगा उनका अक्टूबर का मंथ, करियर, हेल्थ, फाइनेंस, रिलेशनशिप, एंड साथ में क्योंकि अक्टूबर का मंथ यू नो फुल ऑफ फेस्टिवल्स है, सो क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आनी है, एंड लास्ट में हम ये जानेंगे कि किन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ओवरऑल आपका अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा धनु राशि के लिए। सेजिटेरियस के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर का मंथ, प्लीज बताइए। अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा सेजिटेरियस के लिए, अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा सेजिटेरियस के लिए, अक्टूबर का मंथ कैसा जाएगा। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स। भगवान जो आपको दे रहे हैं, यूनिवर्स जो आपको दे रहे हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है, आपको कमी दिखती है चीजों में। सो अगर आपका ऐसा नेचर है जहां पर आपको कोई चीज ऐसी है कि आपको कोई हेल्प कर रहा है लेकिन आपको उसकी हेल्प नहीं दिख रही है, भगवान आपको अपॉर्चुनिटीज ला करके दे रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है, तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप ना आप एक थॉट्स में चले जाते हैं, आप एक राय बना लेते हैं एक चीज के ऊपर, बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगते हैं, जिस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो आपको मूव ऑन करने की रिक्वायरमेंट है इस महीने, नहीं तो चीजें आपकी लाइफ में इस तरीके से होंगी कि आप उसी चीज में स्टक रहेंगे, उसी साइकिल में स्टक रहेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है, काम में आपके जो वृद्धि है वो होती हुई नजर आ रही है। जो लोग भी यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी सी हीलिंग मुझे होती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी कि आपका करियर जो है अक्टूबर के मंथ में कैसा रहेगा, अक्टूबर मंथ में आपका करियर कैसा रहेगा। लेट्स सी धनु राशि वालों के लिए उनका अक्टूबर मंथ में करियर कैसा रहेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टीम वर्क, कोई ऐसा काम जहां पर टीम वर्क हो, किसी का सपोर्ट हो, वो आप करेंगे, एंड आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा अक्टूबर मंथ में। जैसे मैंने बोला ना कि हेल्प आपके पास है लेकिन वो हेल्प आपको नहीं दिख रही है, तो उस हेल्प की आपको कदर करनी है और उस टीम वर्क को जो है ना उसकी तारीफ करके उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, उसकी उसको इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो आपको ही दिक्कत होगी और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो जो भी आपके पास हेल्प अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास वो चीज ऑलरेडी होती है लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं जाता क्योंकि हमें कम लगता है। सो इस चीज के ऊपर जो है आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए रिलेशनशिप कैसा जाएगा। जो लोग भी मैरिड हैं या फिर कमिटेड हैं, उनके लिए रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है, रिलेशनशिप के फैक्टर में उनका ये कैसे जाने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रिलेशनशिप, फोर ऑफ वॉन्ड्स, हीलिंग मुझे दिख रही है, पार्टनर के साथ कमिटमेंट दिख रही है, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली मुझे मैनिफेस्ट होती हुई दिख रही है इस महीने आपकी। नाउ लेट्स सी कि जो लोग भी सिंगल है उनके लिए हमारे पास क्या मैसेजेस आते हैं देखने को, जो लोग भी सिंगल है उनके लिए क्या मैसेज है। थ्री ऑफ सोर्स, सो जो लोग भी सिंगल हैं, अभी आपको एक महीना और सिंगल रहने की जरूरत है अक्टूबर में। हार्ट ब्रेक आपके होने के चांसेस हैं, हालांकि आप ऑलरेडी सिंगल हैं बट स्टिल अगर आप कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो इस महीने नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा आपको और हीलिंग की जरूरत है और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिस किस चीज की, सेल्फ लव की। तो आप सेल्फ लव करिएगा और लाइफ में आगे बढ़िएगा। ये था आपका हेल्थ करियर, है ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब देखते हैं आपके हेल्थ के कार्ड रह गए हैं, सो हेल्थ के कार्ड भी हम देख लेते हैं। अच्छा वो मुझे याद आ गया, नहीं तो फिर आप सभी कमेंट्स में बताते कि हेल्थ रह गया। सो लेट्स सी आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है अक्टूबर मंथ में। हैंगमैन, सरेंडर कर दीजिए। तो अच्छी डाइट लेंगे आप, आपको ऐसा कुछ जरूरत नहीं है अपनी हेल्थ की, आपका सारा चीजें ठीक है, ठीक है। और कुछ लोग हो सकते हैं जिनको एक दो प्रॉब्लम हो, और एक दो लोग ऐसे हैं जहाँ पर उनको मेजर प्रॉब्लम है, उसके अंदर उनको थोड़ा सा रिलैक्स होगा और अच्छे से उनको ट्रीटमेंट भी मिलेगा। सारी चीजें पॉजिटिव ही हैं हेल्थ वाइज आपके लिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है अक्टूबर मंथ में, क्या ब्लेसिंग्स है अक्टूबर मंथ में जो आपको मिलने वाली है। लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स है जो आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स हैं जो अक्टूबर मंथ में आपको आपकी लाइफ में मिलने वाली हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
वामन का कार्ड आया है आपके लिए। चैरिटी जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा, ठीक है। और यही आपकी लाइफ में एक जो है ना पॉजिटिव चेंज लेकर के आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके लिए एक और कार्ड निकालती हूँ मैं, ब्लेसिंग्स में। जितना आप लाइफ में देंगे ना उतना आपको मिलेगा, गिव एंड टेक। यंग एंड यान की जो एनर्जी है वो आपको मिलेगी। गणेश भगवान का कार्ड आया है। जितने भी परेशानियां हैं आपकी लाइफ से वो जाती हुई दिख रही हैं। पीस एंड प्रोस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगा, एंड साथ में मेंटल एंड फिजिकल पावर आपकी लाइफ में बढ़ती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी ब्लेसिंग्स। नाउ लेट्स सी किस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, किस चीज के ऊपर आपको वर्क करने की जरूरत है, किन चीजों के ऊपर ध्यान देने की आपको रिक्वायरमेंट है। बहुत एनर्जी आपकी फास्ट है, सारे कार्ड्स बिखर गए। किन चीजों की आपको जो है ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है प्लीज बताइए, किस चीज के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है प्लीज बताइए। द बर्डन, आपने हो सकता है अपनी लाइफ में ना, जो मैंने आपको कार्ड्स बताए कि फोर ऑफ कप्स आया, आपको हेल्प नहीं दिख रही है, और जब आपको हेल्प नहीं दिख रही तो आप बर्डन में चले जाते हो। सो बर्डन उस तरीके से शायद आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आप उस बर्डन को फील करते हो, और जब आप वो चीज फील करते हो तो वो आप मैनिफेस्ट करते हो। जब मैनिफेस्ट करते हो तो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में फिर आ जाती है, फिर आप उसको बुला नहीं पाते हो। सो थोड़ा सा आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, बाकी सारी चीजें आपकी लाइफ में पॉजिटिव होंगी, और बहुत पॉजिटिव आपका जो है अक्टूबर का मंथ रहने वाला है। आई जस्ट होप आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।